बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम। मैं तुहाडा पंजाबी भरा गुलाम उस्फत, तुसीं इस वक्त वेख रहे हो मेरा पंजाबी यूट्यूब चैनल GMO पंजाबी। जिस तरह तुसीं जानते हो, मैं अपने पंजाबी भरावां वास्ते अपने इस पंजाबी यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना न्यू तो न्यू बिजनेस आइडिया लैके हाज़र हुंदा रहिंदा। तो पंजाबी भरावां दे नाल नाल बहुत सारियां मेरियां पंजाबी भैणां जिहड़ियां घर दे विच बैठ के कोई कारोबार करना चाहुंदियां ने, लेकिन उन्होंने समझ नहीं आती कि असी केड़ा कारोबार शुरू करिए ते किस तरीके नाल असी घर बह के पैसे कमाईए। उन्हां पंजाबी भैणां वास्ते मैं अज एक नहीं दो नहीं बल्कि इकट्ठे 8 बिजनेस आइडिए लैके हाज़र होया। उम्मीद करदा जिस तरह मेरे पंजाबी भरावां ने मेरे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ नूं पसंद किया, मैं उन्हां दा तहे दिल नाल शुक्र अदा करना। इस तरह ही उम्मीद है कि मेरियां पंजाबी भैणां इस बिजनेस आइडियाज़ तो जरूर फायदा उठा सकनगियां, ते नाले मेरे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करके वीडियो नूं शेयर भी जरूर करनगियां। सब तो पहला बिजनेस आइडिया अज जिहड़ा दसन जा रहे हां, तुसीं घर दे विच बैठ के लंच बॉक्स बना के उहदी मार्केटिंग करके दुकानां ते दे सकदे हो। इस बिजनेस विच तुहाडे नाल एक मर्द दा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी दुकानदार ने अगर होटल तो खाना खाते हैं तो उन्होंने पसंद नहीं। बहुत सारे ऐसे दुकानदार जेडे होटल तो खाना तो खाते हैं लेकिन उन्होंने पसंद नहीं, बावजह मजबूरी उन्होंने खाना पैंदा है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी ने जेडे होटल की वजह तो खाना ही नहीं खाते, तो घर दूर होने की वजह तो घरों लैके नहीं आ सकते, घर का खाना खाना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है। उन्होंने इस चीज़ तो बड़ा फायदा होएगा, तो हमेशा जदों भी तुसी लोगों के फायदे वास्ते काम करते हो उसके नाल नाल तुहाडा बिजनेस जिहड़ा है वो आचो ही तरक्की करता जे, तुहानू उहदे विचों बहुत ज़्यादा फायदा भी हासिल होंदा है। लंच बॉक्स यानी कि दोपहर का खाना तुसी बनाना, तुहाडा कोई भी मर्द हज़रात तुहाडा भरा हो सकता है, भाई हो सकता है, बेटा हो सकता, खामद हो सकता है, जिहड़ा जाके दुकानों पर डिलीवरी करके आएगा। तरीकाकार कुछ इस तरह होएगा कि जरा मर्द है वो पहले जाएगा दुकानदारा नाल गल करेगा, तुसी अपने कार्ड बनवा सकते हो, अपने पैफलेट बनवा के दुकाना पे दे सकते हो, वो दुकानदारा नाल डील की जाएगी, तुहाडा नंबर मौजूद होएगा, लोगों नूं तुसी टाइम टेबल दिता होएगा कि 11 बजे तक सानू खाने का फाइनल तुसी दस दिता जाएगा। लोग तुहानू फोन करके आर्डर बुक करा देंगे, जितने लोगों का आर्डर बुक होएगा तुसी खाना तैयार करके 1 बजे तक उन्होंने खाना उन्हां दियां दुकानां ते डिलीवर कर दोगे, क्योंकि दोपहर का खाना तकरीबन 1 से 2 बजे के दरम्यान च खादा जाता जी। तुसी 11 बजे आर्डर लैके 1 बजे तक डिलीवर करोगे तो इहदे विच तुहानू बहुत ज़्यादा फायदा हासिल हो सकता। नंबर 2, जिहड़ियां भैणां कुरान मजीद पढ़िया हुई ने वो घर दे विच कुरान अकैडमी बना के उहदे तों भी पैसे हासिल कर सकदियां ने। तुसी ऑफलाइन भी कुरान मजीद पढ़ा सकदी हैं जी, तुसी ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो। जिहड़े लोग यूरोप अमारात दे विच रहिंदे ने उन्हां दी बड़ी ख्वाहिश हुंदी है कि असी अपने बच्चों नूं दीनी तालीम दी तरबियत देईए, लेकिन आउट ऑफ कंट्री दे विच इह सहूलियत ना होण दी वजह तों वो परेशान हुंदे ने। उन्हां नूं ऑनलाइन जदों इह सहूलत मिलदी है उन्हां वास्ते 100 या 50 डालर कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन अगर तुहानू 5 स्टूडेंट भी मिल जाते हैं तो इहदा मकसद इह है कि तुसी अगर 100-100 डालर भी लैंदे हो तो 500 डालर बनता जी। 16-5-80 यानी कि तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपया ताड़ी इनकम बआसानी हो सकती है। नंबर 3, फैशन डिजाइनर बन जाओ। पहले काम सीखो, काम सीखने तो बाद तुसी लोगों नूं सिखाना शुरू कर दो। फैशन डिजाइनर लोगों के कपड़े सिलाई करने शुरू कर दो, ऑनलाइन लोगों को काम सिखाना शुरू कर दो, ये भी तुसीं बहुत अच्छा बिजनेस कमा सकते हो। फैशन डिजाइनर यानी कि तुसीं ऑनलाइन लोगों को काम सिखाओ और उस तो बाद तुसीं वीडियोस बनाओ और वही वीडियो तुसीं यूट्यूब पर अपलोड कर दो, यानी कि एक तीर के नाल तुसीं दो शिकार भी कर सकते हो। नंबर 4 से जिहड़ा मैं बिजनेस आइडिया दसन जा रहा, यह बिजनेस है ब्यूटी पार्लर का। ब्यूटी पार्लर का बिजनेस बहुत सारिया बच्चिया मेरिया बीबिया भैन कर रही हो, लेकिन तुसी कुछ डिफरेंट करना जो तुसी ब्यूटी पार्लर की ऑनलाइन सहूलत दे दो। ऑनलाइन सहूलत तो मरा देवे
कि तुसी लोकां नूं ऑनलाइन काम सिखाना शुरू कर दिओ ताकि जिहड़ियां बच्चियां घरां दे विच बैठ के काम सीखना चाहन वो घर दे विच बैठियां ऑनलाइन क्लासां लै सकन और ऑनलाइन काम सीख के अपना रोज़गार जिहड़ा है वो शुरू कर सकन। नंबर पांच जिहड़ा बिजनेस आइडिया देन जा रहे हैं, कुछ चीज़ां लेडीज़ दियाँ परसनल चीज़ां होंदियां ने, बहुत सारिया बच्चियां बाहरों जाके दुकानदार को चीज़ मंगन ते झिझक महसूस कर दियां ने, यानी कि शर्म महसूस कर दियां ने। अगर कोई औरत उन्होंने परसनल चीज़ों नू घर दे विच रख के सेल करे तो इस तो भी बहुत ज़्यादा फायदा हासिल किया जा सकता है। हो सकता है तुहाडे कोल थोड़ी बहुती शोर की आवाज़ आ रही हो क्योंकि बारिश का मौसम है, मैं वीडियोज़ बना रहा तो शोर अगर आ रहा तो मैं उस वास्ते मदद पाँ। नंबर छे कंप्यूटर अकैडमी, अग सब तो पहले तुसी कंप्यूटर का काम सीखो और उस तो बाद सिखाना शुरू कर दो। जिथे भी जाओ ऑनलाइन क्लासा ज़्यादातर जेंट्स ही देंगे ने, लेडीज़ की सहूलत मौजूद नहीं। जो तुसी लेडीज़ नू ही सहूलत होएगी, लेडीज़ टीचर्स होणगियां ते बच्चियां नू यानी कि कंप्यूटर की तालीम लेडीज़ देणगियां, उहदे विच बहुत सारे लोग यानी कि जड़े ने अपनी बच्चियों को तालीम सिर्फ इस गल तो नहीं देंगे कि वह चाहते हैं कि साड़ियाँ धियां भैन बंदियां दे कोल जाके तालीम हासिल ना करन। जदों कंप्यूटर की तालीम होएगी और लेडीज़ दे रही होएगी तो बिल्कुल तालीम ना लोग जड़े ने ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चियां तुहाडे कोल आएंगे। और इस तों अलावा तुसीं इसी तालीम ऑनलाइन भी दे सकते हो। नंबर सात तो जड़ा बिजनेस आइडिया देन जा रहे हैं, तुसीं कपड़े होलसेल पर मंगवा के घर दे विच रख के सेल कर सकते हो बड़े ईजी तरीके नाल। बहुत सारे कस्टमर बहुत सारिया औरतां तुहाडे कोलों घरां चों आ के कपड़े लैके जाणगियां। नंबर आठ ते मेरा आखिरी बिजनेस आइडिया, कुकिंग दी ट्रेनिंग शुरू कर दिओ, यानी कि सब तो पहले तुसी बुक्स पढ़ो ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर तो सीख लो और उस तो बाद सिखाना शुरू कर दिओ। मैं हमेशा एक गल करदा कि जो भी इलम होवे लोगों के वंडना शुरू कर दो, तुहाडी तरक्की आटोमैटिक हो जाएगी, खुद ही अल्लाह की तरफों तुहानू तरक्की मिल जाएगी। जो भी इलम है तुहाडे कोल दुनिया के तकसीम करना शुरू कर दो। कुकिंग का काम है इन्हों सिखाना शुरू कर दो। 400, 500, 1000, 2000 ऐसे ऐसे इदारे ने जेडे 10-10 हज़ार रुपया फीस लैके सिर्फ कुकिंग का काम सिखाते हैं, लेकिन मामूली जी फीस रखो कि गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सके। प्रोफेसनल तरीके कुकिंग का काम सिखाओ, नाल यूट्यूब पर वीडियो बनाओ और यूट्यूब पर अपलोड कर दो, ये तो डबल कमाई होएगी, बच्चियों को भी तुम पैसे लोगे और काम सिखाने का जोड़ा सिस्टम है यानी कि बच्चियों को सिखाने पैसे भी लै रहे हो और वही वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करो, उधरों भी तुम्हें कमाई होएगी। उम्मीद करना मेरे पंजाबी भरावान भैनों अज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। अगर बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सबसक्राइब कर दो, मेरी वीडियो में लाइक कर दो, दोस्तों के नाल शेयर लाजमी कर दो। इस दे नाल ही मैनूं इजाजत दो, मिलांगे किसी नवे बिजनेस आइडिया दे विच। उदों तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।